दोस्तों ये गाड़ी है हीरो कंपनी की, ग्लैमर BS2 की गाड़ी है। तो ये गाड़ी में क्या होता है कि हेडलाइट जब हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, तो लेफ्ट जब हम हैंडल को लेफ्ट की ओर करते हैं तो हैंडल चलता है, जब राइट की ओर हैंडल करते हैं तो ये हेडलाइट हो जाता है। उसका प्रॉब्लम ये है कि उसका वायरिंग कुछ इशू है, तो मैंने सब कुछ चेंज किया, कुछ इशू नहीं था। जो इशू है वायरिंग में इशू, वायरिंग में इशू मतलब जो हम लोग हैंडल की ओर जो नीचे का और वायर आता है ना, वायरिंग जो आप मेन सामने वाला वायरिंग फर्स्ट में आता है, उस फर्स्ट में कहता है येलो कलर का जो वायर होता है, जो एसी कनेक्शन जो मेरे से आता है, एसी कनेक्शन में हेडलाइट का वायर रहता है येलो कलर का, तो वही वो यार टूटा हुआ इसमें टूटा हुआ था, तो वही वे टूटने की वजह से ये लेफ्ट करने से प्रॉब्लम हो रहा था। अभी मैंने ये काट के लगा दिया, लगवाऊंगा। लगाने के बाद जब हम चेक करेंगे तो देखना लेफ्ट करने से भी आपका हेडलाइट ऑफ नहीं होगा, सही जगह सही चला गया, कुछ प्रॉब्लम इशू नहीं होगा। तो उसका प्रॉब्लम यही था कि इसका जो वायर होता है सामने का पक्ष में वायर आता है हेडलाइट के सामने आता है, जो उस वायर में दिक्कत था, ये लोग जो वायर है उसमें फटा हुआ था। तो ये मैं लगाने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था, जैसे आप देख सकते हो। और दोस्तों ऐसा प्रॉब्लम अगर आपकी गाड़ी में आए ना, बाइक में स्कूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, बाइक की बात करो, कोई भी बाइक को इसकी प्रॉब्लम जो आता है लेफ्ट करने से हेडलाइट ऑफ होना होता है, तो ये प्रॉब्लम होने से आपका ये जो लोकेशन होता है वायरिंग का जो लोकेशन होता है ना लेफ्ट राइट में, ये आप चेक कर लेना, क्योंकि वही वायरिंग करने की वजह से आपका वो प्रॉब्लम आता है। जैसे कि लेफ्ट राइट करने से आपका हेडलाइट ऑफ हो जाता है, कभी आना होता है कभी पता है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा आपको। ये जो साइड में जो ऑप्शन होता है ना वायरिंग का, वही ऑप्शन में ज़्यादातर ये प्रॉब्लम आता है।